बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुकिंग विद कशिश में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव विद चिकन मसाला बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पुलाव बना लेते हैं, और उसके लिए हमने हड्डी वाला गोश्त ले लिया 1 kg, और इसके साथ हम गर्दनें यूज़ करेंगे क्योंकि इस गर्दन से इस यखनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो पुलाव में बहुत मज़े का लगेगा। इसके लिए हमने ले लिए 2 अदद प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा स्लाइसेस में, और लहसुन हमने 6 से 7 ले लिया और इसको अच्छी तरह धो लिया, हमने छिलका नहीं उतारा। 2 टीस्पून नमक, 2 से 3 लंबी वाली मिर्चें, 7 से 8 गोल वाली मिर्चें, और 2 से 3 तेज़ पत्ते। 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून सौंफ, 3 से 4 दालचीनी के पीसेस, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून लौंग, 3 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद बादियान के फूल, 5 से 6 छोटी इलायची। इसके लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं और पानी में सारा चिकन डाल देते हैं, और तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका देते हैं सारे मसाले डाल के। उसके बाद हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। पुलाव के लिए हमने 1/2 कप ऑयल लेके इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में करके डाल दिए, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो हमारा यखनी का जो मटेरियल था इसे हमने पीस लिया है, तो ये भी अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से पकाते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम 3 टीस्पून नमक के डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे अच्छी तरह पकाते हैं ताकि प्याज का रंग आ जाए। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। और इसको भी पका दें। इसमें यखनी डाल देते हैं। 10 ग्लास यखनी के हमने डालने हैं। 2 kg हमारे पास राइस है, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे देखिए बॉयल होना शुरू हो गया था। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसको कवर करके रखते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद अब हम इसका अब नमक चेक कर लेते हैं। अगर कम होगा तो आप इस स्टेज पे नमक डाल दें, वैसे तो हमारा नमक सही है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा पक रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे रख देंगे, कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो जी व्यूवर्स, हमारे यहाँ पे दम हो गए चावलों का, इसको दम पे ही रहने देते हैं, चूल्हा ऑफ कर देते हैं और सालन तैयार करते हैं। तो जी व्यूवर्स, चिकन का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। चिकन 3 kg क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए। प्याज 8 से 9, इसे हमने लाइट गोल्डन कर लिए। टमाटर 7 से 8, इसे चॉप कर लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने जिसमें प्याज फ्राई किए थे इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसे हल्का सा फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने हल्का सा करना है सिर्फ, बस इतना ही करना है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देते हैं और इसे भी लाइट सा फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा, जब इसका कलर चेंज हो जाए बस हमने इतना फ्राई करना है। साबुत मसालों में 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, 1/2 टीस्पून काली मिर्च,
तीन से चार दालचीनी के पीस, 10 से 12 लौंग, एक बादियान का फूल, 5 अदद इलायचियाँ छोटी से हमने तोड़ ली है, एक जायफल का टुकड़ा, 4 अदद बड़ी इलायची, जलबतरी। इन तमाम चीज़ों को हम चिकन के अंदर डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि इसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए इन तमाम चीज़ों का। प्याज टमाटर को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, ये देखें, और इसके अंदर हमने 7 से 8 हरी मिर्ची डाली थी, उसे भी ग्राइंड कर लिया है। तो ये जो इसका मिक्सचर एक बना है, इसको हम चिकन के अंदर डाल देंगे। रेड चिली पाउडर 4 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को हम चिकन के अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर 3 टीस्पून नमक के डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे हम इसे हल्का सा भूनते हैं और इसके बाद इसके अंदर 1 कप दही का डाल देते हैं। अब हम दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक के दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भून रहा है, ये देखें, और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया। और इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है इसकी। तो अब हम इसे कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाले का डालते हैं। तो ये हमारा चिकन ग्रेवी तैयार है, तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये है मेरी दोनों रेसिपीज़ की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही व्यूवर्स, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हम दोबारा मिलते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।